बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इंडियन स्वेप्ट में। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स का नया चैप्टर वैदिक गणित। वैदिक गणित में गुणा भाग जोड़ना घटाना के विभिन्न पद्धति, टेक्निक, तरीका, सूत्र, ट्रिक, ये सब आप कह सकते हैं, ये दिया हुआ है ताकि कम से कम समय में, कुछ सेकेंड में आपका आंसर आ सके, बिना सॉल्व के आपको देख करके उसका आंसर आप ला सकें, ऐसी पद्धति इसमें दी गई है। तो वैसे एक आज नए विधि देखेंगे जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल विधि। इसमें आप ऐसे क्वेश्चनों का वर्ग निकालना सीखेंगे जो 100 के पार हो, 100 के अंडर हो, 100 से बड़े हो, 100 से ज़्यादा हो, मतलब 2 अंकों के 3 अंकों की संख्या को वर्गमूल कैसे निकलेगा। जैसे कि सबसे पहले उदाहरण उदाहरण नंबर 9 जिसमें दिया है 107 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको समझाने के लिए इसने आधार आधार ये पूरा पूरा टेक्निक से बताया है। देखिए क्या करना होता है, आपको ये देखना है कि इनका आधार क्या है। तो इनका आधार है 100, ये 100 के करीब है तो इनका आधार क्या हो जाएगा 100। ये 100 से कितना अधिक है, 7 अधिक है, तो 100+7 कर देना है, या आप बता देंगे कि इसमें 7 अधिक है 100 से। इन्हीं दोनों को जोड़ना होता है, जो आपको मुख्य संख्या है 107, वो 7 अधिक है तो 7 अधिक करना, दोनों को जोड़ देना, तो दोनों जोड़ के हो गया 114। अब जो 100 से अधिक था उस अधिक का स्क्वायर निकालना होता है, अधिक का क्या है 7 है, 7 का स्क्वायर 37 49 होता है, तो इस तरह से स्क्वायर निकाल के 49 कर दीजिए। और अब दोनों को एक साथ लिख देना है, पहले इसको और फिर उसके बगल में इसको, बस ये आपका आंसर। ठीक, अब शॉर्टकट मेथड क्या रहा बनाने का, ये देखिए काम बस इतना सा है कि हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले मैं यहाँ टैप कर लूँ ताकि आप सभी को ठीक से दिखे। ये मैंने 107 लिखा और स्क्वायर लगाया, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो आधार है वो है 100, और कितना अधिक के है 7 अधिक के है ना, 100 में 2 0 होते हैं तो 2 अंक अलग करना, सिर्फ 7 ना लिख के आपको 07 लिख लेना है। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर निकालना है, किसका 107 का, तो इसमें 7 का स्क्वायर आप अलग निकालेंगे और दूसरे तरफ इसी 107 में जो अधिक था उसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 49, 37 49, ये हो जाएगा आपका 114, बस दोनों को साथ में लिख दीजिए, ये आपका आंसर। ठीक, एक और मान लीजिए 105 है ना, जिसका स्क्वायर निकालना है, तो देखिए इसका जो आधार है वो भी 100 है। ठीक है, और कितना अधिक के है, ये 5 अधिक के है। ठीक है, अब 5 अधिक है तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको 5 का स्क्वायर निकालना है, दूसरी तरफ इसी 105 में कितना अधिक था, 5 अधिक था, तो उसी 5 को इसमें जोड़ देना है, तो ये आपका हो जाएगा 110, ये हो जाएगा 25, दोनों को साथ में लिख दीजिए, आपका फाइनल आंसर है। अब सभी बच्चे अपने कैलकुलेटर निकाल के गुणा करके देखिए, 105 105 में 2 बार इसको इसी के साथ गुणा कीजिए और आपको देखिए ये मिलता है कि नहीं। ठीक, अब हर बार संख्याएं अधिक हो जरूरी नहीं, कुछ कम भी हो सकता है, वो आपको उदाहरण नंबर 10 में बताया है, जैसे कि 98। अब ये तो 100 के करीब है लेकिन 100 से कुछ कम है, तो इसका भी आधार क्या होगा, इसमें भी इनका जो आधार होगा वो बच्चों 100 ही होगा, बस ये 100 से कम है तो बताना है कितना कम है, तो ये 100 से 2 कम है ना, तो सिर्फ 2 ना लिख के 02 लिखना है, तो याद रहे 98 जो है वो 100 से 2 कम है, तो ऐसे लिखना होता है। अब आपको क्या करना है, इसी 98 का जब आप स्क्वायर निकालेंगे तो जो कम है -2 इसका स्क्वायर कर देंगे और इसी 98 में इस 2 को घटा देंगे। अब मैं घटा क्यों रहा हूँ, मैं तो अब तक जोड़ रहा था, अधिक तो प्लस करते हैं, अधिक में आप प्लस करते हैं और कम में आप माइनस करते हैं, और कम कर देते हैं, समझ लीजिए 98 में 2 गया 96, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, लेकिन एक संख्या है तो आपको 04 लिख लेना है। इसके बाद आप दोनों को साथ में लिखकर आप अपने उत्तर की पुष्टि कर सकते हैं कि 9604 यहाँ पर आंसर है। अब मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि सही है कि नहीं, आप कैलकुलेटर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये सही है कि गलत। ठीक है, और हाँ बुक में भी बना बुनाया है, आप बुक में भी देख सकते हैं, बताया है कि आपका आधार जो है वो है 100, 2 कम है, 98 में 2 कटाएंगे 96 हो जाएगा, यही 2 जो कम इनका स्कोर करेंगे 4 होगा, 96 बगल में 4 को लिख देना, ये आपका आंसर। ठीक है, इसी तरह से 113,
113 का भी आधार 100 है और वो 13 अधिक है, तो 113 में ही 13 को जोड़ेंगे तो 126, और 13 का स्क्वायर निकालेंगे 169 होता है, जो कि 100 के करीब में दो ही संख्या होनी चाहिए अगर तीन आए गुणा करने से, तो एक को हासिल दे देना है। तो 126 में एक जुड़ेगा तो 127 हो जाएगा, तो 127 आपको यहाँ दिख रहा है और 59 का 59 अभी आपका आंसर है। ठीक है, बाकी यहाँ पर कोई भी दिक्कत हो तो मैं आपको बना करके बताता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझने में कोई भी दुविधा या डाउट ना रहे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे जहाँ पर 113 का स्क्वायर निकालना था। आपको पता चल गया कि मुख्य संख्या 113 है और ये 13 अधिक है, तो जो अधिक है उसका स्क्वायर निकालते हैं जो क्या है 169, और इसमें इन दोनों को जोड़ देंगे तो 113 में 13 जुड़ेगा 126 हो जाएगा। याद रहे इनका आधार 100 है और 100 में 2 जीरो होते हैं, तो गुणा करने पर दो ही अंक आना चाहिए, अगर 3 अंक आया तो 2 को लिखो 1 को इधर हासिल दे दो ऐसे, तो 6 और 1 7 हो जाएगा, 2 का 2 1 का 1, तो 12 759 आपका आंसर है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आपको उत्तर आया कि नहीं, 12 759 आपका आंसर है। अब इसी तरह से आप 4 अंकों के क्वेश्चन जो 1000 के करीब है उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको समझाया है, अब जो ये 1004 है वो 1000 के करीब है, तो इनका आधार 1000 लिखना है, 4 अधिक है तो 004, अब हाँ 1000 में 3 जीरो होते हैं तो 3 अंक होना चाहिए, अगर एक ही अंक अधिक है तो आप 2 जीरो लिख लेना सामने में जैसे ये लिखा है। अब 104 में 4 को जोड़िए तो 108 हो जाएगा, 1008 हो जाएगा। अब 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, 3 अंक नहीं आए तो आपको 0 लिख के उसको बढ़ाना होगा। अब 1008 के बगल में 0 16 को लिख देने हैं तो कुल मिला के आपका आंसर। ठीक, काफ़ी सरल होता है, मैं एक बार आपको और बता देता हूँ डिटेल से। माना कि 1005 का स्क्वायर निकालना है, आपको पता चलना चाहिए कि इसका जो आधार है बच्चों वो है 1000, 1000 में 3 जीरो होते हैं तो कोई भी अंक अलग करेंगे तो 3 अंक अलग होना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि 1005 में 5 बस अधिक है, तो इसी जो अधिक है स्क्वायर निकालेंगे तो 5 का अधिक 25 होता है, स्क्वायर 25 होता है, और 3 अंक ना आने कारण 1 जीरो लिख लेंगे। इन्हीं दोनों को जोड़ना है तो ये हो जाएगा 1010, और बस इन दोनों को साथ में लिख लेना इस तरह से और आपका आंसर है। तुरंत कैलकुलेटर में गुणा करके देखिए आपका आंसर आ रहा है कि नहीं, 1005 ये आ गया, मतलब सही है। तो इसमें आप कुछ ही सेकंड में आंसर ला सकते हैं जो कैलकुलेटर से भी फास्ट होगा। बाकी अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।